तो भगवान ने क्या नहीं देखा? जाति नहीं देखा, भगवान ने क्या नहीं देखा? अवस्था नहीं देखा। कहा भगवान फिर धन संपत्ति देखता होगा? कदापि भगवान धन संपत्ति नहीं देखता है। जितने बड़े बड़े धनिक हैं, जितने बड़े बड़े रईस लोग हैं, वो चाह करके भी अपने जीवन में भगवान के लिए एक क्षण भी नहीं खरीद सकते। ये बात अलग है कि सरकार के वीआईपी कोटा में कुछ पैसा दे करके जल्दी दर्शन कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि वीआईपी कोटा में जाकर के भगवान का जल्दी दर्शन कर ले, लेकिन उस मजा से अच्युत हो जाएंगे जो लोगों के धक्का मुक्की से गुजर करके भगवान के दर्शन का है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि दुख के बाद जो सुख का अनुभव है ना, वही असली भगवत प्राप्ति का साधन है। जो दुखों से लड़कर के जो तुमको सुख मिला है, वही भगवान है। एक गरीब व्यक्ति को सब कुछ एहसास होता है कि दुख क्या है, सुख क्या है, लेकिन एक अमीर के लिए कभी सुख होता ही नहीं है। उसके जीवन में हर पल दुख ही दुख नजर आता है। कारण क्या है कि जिस चीज को चाहता है उस चीज को तत्क्षण खरीद लेता है, तो उसको दुख का एहसास कभी नहीं हुआ, और दुख का जब एहसास नहीं हुआ तो सुख की अनुभूति कहां से हो। इसलिए उनका जीवन ज्यादातर उदासी में होता है, और इसलिए उनके जीवन में ज्यादातर बीमारियां होती हैं। अब तो एक अच्छे डॉक्टर फिलोसोफर हैं अमेरिका में, डॉक्टर दीवानियन एसपीके करके उनका रिसर्च आया था अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने लिखा निरोगी होने के लिए गरीब हो जाओ, उनका लेख में एक पढ़ रहा था। उन्होंने कहा निरोग होने के लिए गरीब हो जाओ। जो व्यक्ति जितना गरीब है उसके पास उतना रोग कम है। अनुभव कभी इस बात का कीजिएगा कि गरीब व्यक्ति मरता है तो निरोग मरता है, और अमीर व्यक्ति जब मरता है तो वो किसी न किसी बीमारी की वजह से मरता है। कारण क्या है कि भावनाओं की समाप्ति हो जाना, और भावनाओं की समाप्ति होना यानी सुख और दुख से परे हो जाना। अब जो सुख दुख से परे हो गया तो वो जान लीजिए कि वो इंसान जो है विक्षिप्ता अवस्था में है। इसी को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, अंग्रेजी में इसी को फ्रस्ट्रेशन लोग कहते हैं। किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा है, यानी फ्रस्ट्रेट है व्यक्ति। तो इसलिए अभाव होना हमारे जीवन में बहुत बड़ा विचार है। अभाव होगा तभी प्रभाव पता चलेगा, और जब प्रभाव पता चलेगा तब आपके जीवन में वो प्रसन्नता, वो जिसके लिए आप इतना संघर्ष किए हो, वो जब प्राप्त होगा तो उस प्राप्ति का जो अनुभव है वो आपको एक क्षण में समझ में आ जाएगा कि नहीं, जिस प्राप्ति का, जिसके प्राप्ति के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा वो कितना असाधारण है, और मैं कितना बड़ा धन्यभागी हूं कि ये जो असाधारण है मैंने उस असाधारण को प्राप्त कर लिया है। फिर वहां से आपके लिए नई भक्ति प्रकट होगी, नई ऊर्जा प्राप्त होगी, नई चेतना प्राप्त होगी। आप बूढ़े भी रहोगे ना तो आपकी शरीर की एनर्जी जो है नई हो जाएगी। चरक संहिता में भी इसके विषय में लिखा कि यदि शरीर को स्वस्थ करना हो तो विचारों को स्वस्थ कर लेना मनुष्य, और विचार स्वस्थ तभी होंगे जब अमूल्य वस्तु को स्वीकार कर ले।
दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? भावना। भावना का कोई मोल नहीं है, इतना महंगा है भावना कि इसका कोई मोल ही नहीं है। ये बिकने पर उतारू हो जाए तो 10 पैसे पर बिक जाती है। बिकने पर अगर उतारू हो जाए तो 10 पैसे में भावना खरीद सकते हो। न बिके तो करोड़ों और खरबों की संपत्ति भी दे दो तो खरीदी नहीं जा सकती है और बेची नहीं जा सकती है। बिकी नहीं रही है तो करोड़ों रुपए आपका क्या मतलब? जब हम बिक नहीं रहे थे तो लोग दाम लगा लगा करके जाते थे। हम बिकते न थे तो अनमोल थे। अब जो बिक रहे हैं तो दाम हमारा कौड़ियों में गिना जाता है, और बिकने वाले को तो हमेशा कौड़ी में गिना जाता है।